कोरोना महामारी की पहली, दूसरी लहर और फिर तीसरी लहर, इन लहरों ने जहां बहुत से नुकसान दिए आम आदमी को, वहीं कुछ अच्छाइयां भी दी। सबसे बड़ा लाभ जो हुआ वह यह कि इन लहरों ने आपसी प्रेम मोहब्बत को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया और जो संस्कार हम भूलते जा रहे थे उन्हें फिर से हरा भरा कर दिया। कोरोना की इन लहरों ने क्या क्या गुल खिलाए, आइए देखते। कान्हा को आना ही पड़ा कि इस पारिवारिक कथा में। ये हैं अम्मा जी यानी शालू की सासू जी और ये हैं शालू जी अम्मा जी की बहुरानी और ये तो आप जान ही गए होंगे, ये हैं मिस्टर कन्हैया, कान्हा के असीम भक्त। अच्छा, बॉल खेली जा रही है? हाँ, अम्मा भूख लग रही है। अच्छा, हमें देख के भूख लगाई? क्या खाते बोलो? अम्मा हलवा बना दो, बड़े दिनों से हलवा नहीं खाया है। अच्छा, हलवा की भूख लगी है? हाँ। आए अम्मा, क्या हो गया? क्या हो गया? इसीलिए कहते हैं इसे खेलो। क्या हुआ कन्हैया को? मेरा तो जी घबरा गया इसकी चीख सुनकर। वो खेल रहा था, गिर गया, देखने भी तो नहीं दे रहा है। माँ जी लगता है इसके पैर में मोच आ गई है। माँ मेरा पैर टूट गया है। चुप, ऐसे नहीं बोलते, ठीक हो जाएगा अभी। अच्छा ऐसा करो ना, सरसों का तेल ले आओ और हल्दी का दूध ले आओ, तेल लगा देंगे इसकी मोच सही हो जाएगी, बाकी हल्दी वाले ठीक हो जाएगा। अभी लाती हूँ माँ। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आ गई बैठे बैठे। बस बस अभी सही होता है। अम्मा बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा लो ये हल्दी वाला दूध पी लो, दर्द भाग जाएगा। जल्दीबाजी में चीनी डालना तो भूल ही गई, अभी डालती हूँ। ठीक हुआ? नहीं, दर्द हो रहा बहुत तेज। अभी तुम्हारा दर्द छूटकर जैसे शेर को देख के हिरन भागता है ना, वैसे अभी शेर दर्द भाग जाएगा दूर। अभी देखना देखना देखना। जय काली कलकत्ते वाली, मेरा बचन न जाए खाली, दर्द हो जाए छू। ठीक हुआ ना? ठीक हुआ ना अम्मा? अभी थोड़ा ही ठीक हुआ है, अभी पूछ बाकी है। अरे तो पूछ भी चली जाएगी, अभी देखना। अभी जय काली कलकत्ते वाली, पूछ भी हुई, फुर भाग गया ना दर्द। दर्द ठीक हो गया ना? ऐसे हंसा रहा था जैसे दर्द वास्तव में बिल्कुल भाग गया। दर्द ठीक हो गया, ठीक हो गया। माँ अम्मा ने जय काली कलकत्ते वाली बोला, मेरा दिल ऐसे भागा जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा माँ जी, मैंने सब्जी बना ली है, आप रोटी बना लेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बना दूंगी। तुमने तो देर भी हो गई होगी, 10 बज गया। हाँ माँ जी, 10:15 बज गए।
पता नहीं बस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आजकल बसों के अभी तो ये हाल है कि खाली खिलाए लिए जाते हैं, रोकते भी नहीं है। अरे ये मत पूछिए, बस में जगह भी होगी फिर भी हाथ ला देंगे दूर से ही। अच्छा, जगह नहीं है। अच्छा अगर बस ना मिले तो ऑटो से चले जाए। ठीक है, लंच रख लिया? अरे अब लंच कहाँ, सब्जी रख ली है, रोटी बाहर से मंगवा लूंगी। जब तक तुम तैयार हो, जब तक हम रोटी सेके दे रहे हैं, इस समय बाहर का नहीं खाना चाहिए कोरोना की वजह से। ये तो है। अच्छा कन्हैया आपका दर्द ठीक है, मैं ऑफिस जाऊं? हाँ हाँ माँ आप ऑफिस जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं अम्मा के साथ हलवा बनवा कर खाऊंगा अम्मा से। अच्छा अच्छा खा लेना हलवा। अच्छा आज तो बहुत देर हो गई है, 11:30 बजे से पहले नहीं पहुँचूंगी ऑफिस। तो तुम ऑफिस में फोन करके बता दो ना कि थोड़ा लेट आएंगे। हाँ हाँ फोन करती हूँ, पहले फोन ही कर लेती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर सर आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि बेटे को चोट लग गई है। कुछ नहीं, बस वो खेल रहा था, गिर पड़ा तो उसको पैर में चोट लग गई है। नहीं सर अब तो आराम है, मैं आ जाती हूँ। ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं। सालो मैंने रोटी बना दी है, लंच रख लो। मैंने सर को फोन किया था, वो कह रहे थे कि आज ऑफिस नहीं आना है, आप पहले आप बच्चे को देखिए बाद में क्या कहता है आइएगा। एक दिन अगर नहीं आएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अच्छा तो भी देखो अच्छे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का दर्द समझते हैं, नहीं तो बाकी तो हमारे सर जो है ना बहुत अच्छे हैं, मंगलवार का व्रत भी रहते हैं। अच्छा। और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाते हैं, बच्चों को गरीब जो बच्चे होते हैं उनको अपने हाथ से नहलाते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं और इसके बाद उनको खाना भी खिलाते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है, तभी तो उनके पास क्या कमी है, सब कुछ तो है। अच्छा आप हटिए मैं बना लेती हूँ रोटी। नहीं नहीं मैं बना दूंगी, तुम कन्हैया को देखो जाके, नहीं तो फिर वो शैतानी करे फिर कुछ लगे। कन्हैया आपका मोबाइल लिए हुए? अच्छा गेम खेल रहा होगा। अम्मा हलवा बन गया, यहाँ बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बन गया बस 2 मिनट। हाँ वो सूजी डाल के हलवा जरा बना रहे। अब बच्चा करे भी क्या घर में बैठे बैठे। ये तो है, स्कूल तो खुलने से रहे, इस कोरोना ने तो सारे बच्चों की पढ़ाई ही चौपट कर दी है, पूरा भविष्य ही एकदम खराब कर दिया है। सरकार के ऊपर जब तक कोरोना का भूत है ना, तब तक स्कूल कुछ नहीं खुलेगा, बस बच्चों का सारा करियर चौपट कर दिया है। महंगाई है वो इतनी बढ़ती जा रही है, सिलेंडर पहुंचा दिया ना 1000 रुपए, 250 से 1000 रुपए सिलेंडर पहुँच गया। पेट्रोल था, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, क्या चीज कम हुई है, सब बढ़ते ही जा रहे हैं। ये अच्छे दिन है ना? हाँ बात है, तो खैर अच्छे दिन में इतनी महंगाई बढ़ रही है, सरकार के अच्छे दिन है कि अपने अच्छे दिन है? बस ऐसा ही है, नेताओं का सर का खेल है। हम लोग गुलाम तो पहले भी थे और आज भी हैं, हमेशा ही रहेंगे, जो सरकार कहती है बस वही तो करना होता है। बस नाम की आजादी है और आजाद कौन है।
ओ बेटे मार मार जल्दी मार, ए मार ना जल्दी, मैं भी मारता हूँ। पट से डॉट। कन्हैया कैसा लगा हलवा? अम्मा बहुत अच्छा है, मैं तो ढेर सारा खा जाऊंगा। अच्छा पहले इतना तो खा लो। माँ ये तो मैं 2 मिनट में साफ कर दूंगा। अच्छा अच्छा हमारी वो ऑफिस में काले परेशान अंकल आए थे। ये परेशान अंकल कौन है? है एक, अक्सर आते रहते हैं। जब भी आते हैं तब परेशान ही रहते हैं। क्या कह रहे थे परेशान अंकल? वो बता रहे थे कि सरकार ने लॉकडाउन पीरियड में जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए कुछ योजना बनाई है। तो फिर सरकार उन सबको पड़ोसी देश भेज देगी क्या? पड़ोसी देश में जगह ही कहाँ है। ये तो अपना ही देश है जहाँ पे शरणार्थी आ जाओ बस ये होता है। बस सरकार का कमाई का एक और रास्ता कि जितना अपना बिजनेस करो और 10% अपने पास रखो, बाकी 90% सरकार को टैक्स के रूप में वापस कर दो। ओ, इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। और है अम्मा हलुआ हलुआ। अरे अब थोड़ी देर में खा लेना नहीं तो पेट गुब्बारा की तरह फूल जाएगा। ये कोई बात किसका है? हेलो क्या अभी 2 महीने और लग सकते हैं और इस बीच अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो क्या नहीं आएगी? ये मत कहो, इस कोरोना के समय में कुछ भी संभव है। खैर कर ही क्या सकते हैं, जल्दी आने की कोशिश करिए। यहीं बैठे हैं। कन्हैया कन्हैया भी यहीं बैठे हुए हैं। बात करूं क्या? लीजिए बात। हेलो हाँ पापा आप कब आ रहे हो? क्या अभी नहीं आ सकते? पापा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ आप आ जाइए। हाँ ये लीजिए, अम्मा से बात कर लीजिए। हेलो कैसे हो बेटा? प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। और अभी काम निपटा नहीं क्या? अच्छा अच्छा नाश्ता कर लिया? हम लोग कर ही रहे हैं नाश्ता। और अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। हेलो हाँ जी। अच्छा ठीक है रखती हूँ, बाय। अरे ओ हमारे नमाराशी कन्हैया सुन लो कान खोल के, माँ अपने ऑफिस चले जाती है
और पापा अपने ऑफिस के काम से पटना गए हैं और घर में मैं और अम्मा रह जाती हैं और अम्मा कहने लगती हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे कितना पढ़ो, पढ़ने से होगा क्या जब बिना पढ़े ही इस कोरोना महाराज की कृपा से सारे लोग पास हो जाते हैं तो पढ़ने से क्या लाभ। तुम तो बस हर साल लॉकडाउन लगाते रहो और सारे पढ़ने वाले को आगे बढ़ाते रहो। जय हो कोरोना महाराज की जय हो। परेशान अंकल कौन है, क्या कन्हैया के पापा जी पटना से लौटे, ये जानने के लिए देखते रहिए तीसरी लहर।